आज का ये वीडियो आपके ही जैसे एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पर मैं बना रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख सकते हैं। थंबनेल देखकर आप जान गए होंगे कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हीरो मोटरकॉर्प या हीरो बाइक का डीलरशिप कैसे लें। हीरो मोटरकॉर्प इस कंपनी का नाम है जिसके अंदर में ये हीरो बाइक बनता है। इस कंपनी की शुरुआत की मैं बात करूँ तो इस कंपनी का स्टार्टिंग हुआ था 1984 में। हीरो की पहली साइकिलें आती थी, आई थिंक अभी भी इनकी साइकिलें आती हैं। बेसिकली हीरो पहले साइकिल ही बनाता था, बाद में ये हीरो होंडा के साथ ज्वाइंट वेंचर में आया और लगभग 20 से 30 साल ये रहे मार्केट में, ये लमसम मैं बता रहा हूँ। एंड इस पीरियड में इन्होंने बहुत सारी गाड़ियाँ निकाली हीरो होंडा के नाम से। बाद में ये लोग अलग हो गए, हीरो अलग होंडा अलग। होंडा के साथ अलग होने के बाद भी हीरो पूरे ऑल ओवर इंडिया की लार्जेस्ट बाइक मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जो अभी की डेट में मोर देन 46% मार्केट को कैप्चर किए हुए है। अगर बात करें एक दिन में इनके प्रोडक्शन की तो लगभग 9500 बाइक एक दिन में ये प्रोड्यूस करते हैं। इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा बिकता है। अभी जो आप स्प्लेंडर देखते हैं, ये सबसे ज़्यादा इसका बिकता है, स्प्लेंडर, पैशन प्रो और इससे रिलेटेड खास करके ये दो तीन गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा चलती हैं, चूँकि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में ये सबसे ज़्यादा फेमस है। अब के डेट में तो गाँव में लोग शादियों में इस टाइप की बाइक्स आराम से लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो वो हीरो की ही बाइक है। इनके बाइक का सबसे बड़ा खासियत है कि लो मेंटेनेंस रहता है, हल्की है, अच्छी है, माइलेज ठीक देता है, इंजन की भी मजबूती है, बहुत ज़्यादा रेंज में नहीं है, 40,000 से 50,000 से स्टार्ट होता है और 2,00,000 के आसपास का इनका बाइक का रेंज जाता है। तो ये तो हो गया ओवरऑल कंपनी का बैकग्राउंड। अब हम बात करते हैं कि अगर आप फ्रेंचाइजी लेने के लिए जा रहे हैं तो किन किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट होगा। सबसे पहले बात करते हैं इसमें लोकेशन, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हीरो बहुत पहले से ही ना डीलरशिप प्रोवाइड करा रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं इनका डीलरशिप आपको ना दिखे। जरूर उनका डीलरशिप कहीं ना कहीं दिख जाएगा, बावजूद आपको अप्लाई करना है, क्योंकि जो डिमांड है वो कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। सो आपके जो मिलने के चांसेज हैं वो बने रहेंगे। तो आपको लोकेशन वैसा देखना है जहाँ पर लगभग कम से कम 100 से 200 बाइक पर मंथ आप बेच सकें। जी, जब तक इतना बाइक आप नहीं बेचिएगा कोई फायदा ही नहीं होगा आपको, पहला चीज। दूसरा, आपके पास कम से कम एरिया लगभग 4,000 से 5,000 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि आपको शोरूम के साथ साथ में एक सर्विस सेंटर भी आपको ओपन करना होगा। जहाँ भी बाइक रहेगी आप थोड़ा दूरी में भी जाके सर्विस सेंटर ओपन कर सकते हैं, या अगर वहीं पर आपका स्पेस है तो आप वहाँ भी ओपन कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी लेने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो सबसे पहले इसमें आता है उद्यम रजिस्ट्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं MSME सर्टिफिकेशन। दूसरा हो गया आपका बेसिक डॉक्यूमेंट, जैसे पैन हो गया, आधार हो गया, बैंक कैश स्टेटमेंट हो गया, EPF हो गया, ESIC हो गया, किसी भी टाइप का आपका बिजनेस एक्सपीरियंस है तो वो आपको लेटर प्रोड्यूस करना होगा। जहाँ भी आप अपना शोरूम ओपन कर रहे हो उसका एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट भी एक बनता है, लाइसेंस उसको बोलते हैं शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में, तो वो भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आपका परमिशन, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। बात बाकी अगर हम बात करें सपोर्ट की, तो पूरा का पूरा आपको हर टाइप का सपोर्ट कंपनी के एंड से रहेगा। सबसे पहले तो फ्रेंचाइजी आपका ट्रेनिंग दिया जाएगा, स्टोर किस तरीके से मैनेज करते हैं तो वहाँ भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जाएगा। बिलिंग सॉफ्टवेयर भी आपको कंपनी अपने एंड से प्रोवाइड करेगी, यानी कि हर एक चीज़ें आपको मिलेंगी जो एक एंटरप्रेन्योर को चाहिए होता है, और एक इतने बड़े ब्रांड से जो आपको अपेक्षा होगा वो आपको पूरा किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसको ओपन करने में खर्चा कितना आएगा। हीरो बाइक का डीलरशिप ओपन करने के लिए आपके पास कम से कम 50,00,000 से लेकर 1.5 करोड़ तक का पूंजी का आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि आप इतने अमाउंट के लिए लोन भी आप प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार का एक स्कीम है, उसका नाम है CGTMSE स्कीम। इस स्कीम के तहत आप 2 करोड़ रुपये तक का लोन आप प्राप्त कर सकते हैं। CGTMSE में लोन कैसे अप्लाई करें, किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनवाएंगे, ये जो भी मैंने सर्टिफिकेट बताए हैं, ये सारे रजिस्ट्रेशन आप कहाँ से करवाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको myprojectreport.com वेबसाइट्स के थ्रू हो जाएंगे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब बात करते हैं कि प्रॉफिट क्या रहेगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका प्रॉफिट है लगभग 8% से लेकर 10% नेट कमीशन रहेगा जो बाइक आप सेल करेंगे, और जो एक्सेसरीज है एक्सेसरीज में आपको 18% से लेकर 20% तक का बेनिफिट रहता है। कमाई का आप चिंता बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि इतनी बड़ी ये ब्रांड है और बाइक जो है हमेशा बिकती ही रहती हैं, सो ये तो बिक जाएगा, बाइक बिक भी जाएगा। बिकने के बाद आप सर्विस सेंटर में कमाएंगे तो वो उतना आ जाता है, आपको मिल जाए कैसे आप इस पर फोकस कीजिए। फिर भी अगर मैं लमसम बात करूं कि कितना आप महीने में अर्न कर सकते हैं, तो सर्विस सेंटर प्लस बाइक इन दोनों का एक एवरेज में मिला के बात करूं कि कितना प्रॉफिट आएगा, तो लगभग आपको 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक का आपको एक मंथ का अर्निंग आएगा। ये डिपेंड करता है, इससे ज़्यादा ही जनरली आता है। सो आइए अब देखते हैं कि इसका अप्लाई हम कैसे करेंगे।
इसका ऑफिशियल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो ये इसका एप्लीकेशन का फॉर्म है, यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर डीलरशिप करके ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ लेना। फिल एंड सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अ PDF वर्जन ऑफ द कंप्लीट एप्लीकेशन विल बी जनरेटेड ऑन सबमिशन, ठीक है। अपलोड द स्कैंड कॉपीज ऑफ द डिफरेंट जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनका अपलोड करना है, वेरीफाई होना चाहिए। सेंड अस द प्रिंटेड एंड साइंड PDF विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट। स्टार्ट एप्लीकेशन जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पे पूछ रहा है अपना नाम, ईमेल, मोबाइल, ये सब डाल के आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर आपसे कुछ बेसिक डिटेल मांगेगा, क्या आपका इनकम है, क्या एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ आपसे मांगी जाएंगी। उसको फिल आउट करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको वेट करना है, कम से कम 20 दिन से एक महीने आपको वेट करना पड़ेगा, चूँकि बड़ी ब्रांड है टाइम लगता है। सो कंपनी की तरफ से जब आपके एप्लीकेशन को वेरीफाई कर लिया जाएगा, आपसे बातचीत किया जाएगा प्रॉपर वे में, फिर वो वहाँ से कॉल बैक करेंगे एंड आगे का अपना प्रोसेस करेंगे। इसके अलावा भी मैंने वेरियस टाइप के वीडियोज़ बना दिए हुए हैं, आप हमारे चैनल पे जाइएगा, वीडियो के सेक्शन में जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।